शुरा इकराम मुअज्जज सामईन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हालांकि हम तो आपके घर के हैं, असद भाई बहुत मुश्किल से हाथ में आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये अशरफ बनारसी की करामत ही समझ। बावजू हो के जो मेरे बड़े भाई मरहूम हसन नवाज सिवानी साहब की लिखी हुई नाते पाक के दो शेर समाज के, बावजू हो के जो करता के जो। अब मेरे सीने में नवाब भाई की तरह ताकत नहीं है कि उतना खींच खाच के पड़ेंगे। बावजू रंजो गम में भी उभर आता है जीने का ख्याल, रंजो गम में भी उभर आता है जीने का ख्याल। बाबा जो अब शेर सुनिए आप, रूह की तह में उतर जाती है खुशबू की लगी, रूह की तह में उतर जब आता है शहीदी के पसीने का ख्याल, जब आता है कोई नारा लगा दे कर जब आता है शहीदी के पसीने का ख्याल, जब आता है दुर्दी पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सैयदना मौलाना मोहम्मद बिन बारिक सल्लम सलातुल सलाम अलैहि या रसूलल्लाह। अब दो तीन शेर मनकबत के समाप्त कर ले आप, मैं मतलब पढ़ रहा हूँ। सुने ऐसा किया हुसैन ने, कब बोलिएगा बोले या हुसैन, जरा दोनों हाथ उठा के बोले या हुसैन, कि ऐसा किया हुसैन ने, फिर खामोश हो गए, बोलते रहे या हुसैन, कि ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, ऐसा किया जय
ऐसे कहिएगा जरा सा लगाइए ना नारे तकबीर जरा और अब लगे फिर से जलसा शुरू हो गया माशाल्लाह नारे रिसालत नारे नवाब भाई बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं पढ़ रहा है ऐसा हो सकता है शकील सादाब और अच्छा ना पढ़े वो भी जहाँ नवाब भाई का घर बगल में और हम अच्छा ना पढ़े तेरा बोल दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह कि ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में शेर सुने कुसड़ी वेल पर सोसाइटी के तमाम दोस्तों के हवाले ये शेर मैं ये चाहता हूँ कि जरा दोनों हाथ उठा के बोल दे या हुसैन और मोहब्बत से बोले या हुसैन ऐसा किया हुसैन ने अब शेर सुने जब तक तक न बख्श जाएंगे नाना तब तक रहेगा उनका अरे तब तक रहेगा उनका नमाज में तब तक रहेगा उनका नमाज नमाज में पलकों से साफ कर दे ऐसा